गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट जो कि मैंने आप लोगों से ली है। आप लोगों को मैंने जो टॉपिक्स कुछ कवर करवाए चैप्टर नंबर 1 के, एंड देन आई थॉट कि आई शुड टेक अ टेस्ट। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट जो ली थी उसका पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को वो वीडियो पसंद आई होगी। अब हम आ गए हैं पार्ट 2 की जानेब और उसमें हम डिस्कस करेंगे MCQs नंबर 16 से। सो MCQs नंबर 16 है हमारे पास कि द डायमेंशन ऑफ पावर इज़। पावर हमारे पास क्या होता है? पावर हमारे पास होता है वर्क डन ओवर टाइम। और वर्क डन की जो हमारे पास डायमेंशन थी हमने वो पहले भी निकाली थी, अब वो मैं यहाँ पे फिर से निकाल देती हूँ कि वर्क डन हमारे पास बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, मीन्स ये जो वर्क डन है ये बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, और ये टाइम ओवर यहाँ पे मैंने सेम लिखा है। फोर्स की होती है हमारे पास डायमेंशन MLT-2। ठीक है, और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है एक एल, ये और नीचे ये टी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये टी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा टी, और ये जो हमारे पास एल है ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास पावर की हो जाएगी ML² T-2। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है? डायमेंशन है किसकी? पावर की। सो हमारे पास इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारे पास क्या है? करेक्ट है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं MCQs नंबर 17 की जाने। भाई ये जो डेफिनेशन है ये मैंने ली थी फेडरल की बुक से, बहुत इजी डेफिनेशन है। देखिए क्या है कि द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। कोई भी ऐसा डाउट जो एग्जिस्ट करता हो आपकी मेजरमेंट के रिजल्ट के अंदर, वो चीज़ कहलाता है एरर। देखें क्या होता है कि यहाँ पे मैंने बाकी भी ऑप्शन दिए हैं और मोस्टली लोगों को ऑप्शन सी पे डाउट होगा जो कि है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी और डाउट के अंदर जो है वो डिफरेंस ये है कि डाउट जो हमारे पास अनसर्टेनिटी वो क्या है? द क्वांटिफिकेशन या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, वो क्वांटिटी कितनी है उस एरर की। ये जो डाउट है जो एग्जिस्ट कर रहा है किसी मेजरमेंट के अंदर, उसके अंदर के जो रिजल्ट में हमारे पास जो एरर आया है उसकी क्वांटिटी कितनी, अगर क्वांटिटी की बात की जाती तो वो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती। ठीक है, बट अभी बात हुई है कि वो बस एक डाउट है जो कि है। ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, किसी मेजरमेंट हमने की है किसी चीज़ की, उसके रिजल्ट में हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, कुछ डाउट है हमें, कुछ हमें शुबा है, तो उसके उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एरर है। ठीक है, इसलिए हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो ए है। बाकी हमारे पास दो डेफिनेशन इसमें और हैं, एक प्रिसिशन, एक सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की कंप्लीट वीडियो बना रखी है, सो उसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा। वो केमिस्ट्री वाले आपको लेक्चर से मिलेगा क्योंकि मैंने उसमें समझाया था। मैं सोच रही हूँ उसको इस प्लेलिस्ट में भी डाल दूँ, सो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं मुझे याद रहा तो मैं इसको क्या करूँगी, जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली जो वीडियो है उसको मैं डाल दूँगी इस वाली प्लेलिस्ट में, फिजिक्स वाली में। ठीक है, मुझे याद रहा तो, वरना आप लोग याद दिला देना। ठीक है, बाकी प्रिसिशन, प्रिसिशन क्या होती है? द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, मतलब कोई भी चीज़ एग्जैक्ट है, अगर आपने कहा 1.2 तो उस कितनी हद तक वो उसकी जो है वो एग्जैक्ट है, वो चीज़ कहलाती है प्रिसिशन, एक्यूरेसी। ठीक है ना, वैसे तो एक्यूरेसी में भी डिफरेंस आ जाता है। सो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है दैट इज़ 17 का ए। अब 18 की तरफ आ जाते हैं, तो 18 में हमारे पास फाइंड करना हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसके अंदर चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो तीन आते, ये पॉइंट की वजह से यहाँ पे क्या आ गए हैं? चार आ गए हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वीडियो इंशाल्लाह मुझे याद रहा तो मैं डाल दूँगी, ताकि आपके ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। इसमें हमारे पास क्या है, 19 में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो तीन हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। ये कैसे है ये आपको पूरे रूल समझने पड़ेंगे। पांच रूल होते हैं हमारे पास, व्हेन वी आर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स देन वी हैव टू लर्न 5 रूल्स। सो उसकी मैं वीडियो डाल दूँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुझे याद रहा तो मैं डाल दूँगी, वरना आप लोग हैं मुझे याद दिलाने के लिए। इंशाल्लाह मुझे पता है आप लोग याद दिलाओगे, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। नाउ क्या है केल्विन, द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज़ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द। ये हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे दी थी ना, ये हमारे बुक लाइन है। बेसिक यूनिट जब हम पढ़ते हैं सिंटेक्स बुक में, तो हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है वो क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। सो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो सी है, और ये एग्जैक्ट बुक लाइन है, एग्जैक्ट बुक लाइन है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने बुक अच्छे से रीड किया होगा। अगर आप लोगों ने मेरी टेस्ट की तैयारी की होगी सो आपके लिए ये हलवे वाला MCQ था।
ठीक है, अब फिर आ जाते हैं हम अपने उसी MCQs की जाने जो कि है 21, जिसको मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, मीन्स इसके पार्ट वन में, क्योंकि उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, क्योंकि उसके जब ऑप्शंस मैं आपको समझा रही थी तो मैंने आपको ये MCQs भी समझा दिया था, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हु वर द पियोनियर्स ऑफ डेसिमल सिस्टम। सो सबसे पहले जो आगाज़ किया था डेसिमल सिस्टम का, सो वो कौन थे? वो नो वन, कोई और नहीं थे बल्कि ए पीपल ऑफ इंडस वैली। ठीक है, सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये बुक रीडिंग के जो लेक्चर्स मैंने आप लोगों को दिए हैं, अगर आप लोगों को नहीं देखे तो देख लें, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये सारी चीज़ समझाई हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, मूव करते हैं, और ग्रीन से लिखूँ, ब्लू से लिखूँ, येलो से लिखूँ? अच्छा, थोड़ी देर येलो से लिख के देखते हैं। सो भाई, किताबुल मनाज़र इज़ रिटन बाय, ये मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मैंने आपको ये लेक्चर ही, मैंने आप लोगों को वो जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट वाला कुछ टू टॉपिक है हमारे पास इस्लामिक वर्ल्ड में, वो मैंने आपको समझाया ही इसीलिए था ताकि मैं आपसे ये ट्रिक्स शेयर कर सकूँ कि आपको ये जो बुक्स के नेम हैं, साइंसदानों के नेम्स हैं, ये किस तरह से याद रखने हैं। एक्चुअली मेरा मकसद यही था। सो द किताबुल मनाज़िर जो कि एक बुक है, ये हमारे पास इब्न अल हिसम की लिखी हुई है, और क्यों लिखी हुई है और ये यहाँ पे क्या ट्रिक है और मैंने क्या बताया था, उसके लिए आपको मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाई है। इसका ऑप्शन ए है, इसलिए आपको वो देखनी पड़ेगी, और जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी होगी उसके लिए ये MCQs बहुत ईजी होगा और उसने बिल्कुल ठीक किया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हु इंट्रोड्यूस ज़ीरो इन काउंटिंग। ये भी मैंने अपनी उसी वीडियो में बताया था, क्योंकि वो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए बनाई थी ताकि, क्योंकि मुझे मालूम था कि आई विल कंडक्ट टेस्ट, और उसके लिए कुछ अच्छे MCQs होना ज़रूरी हैं, कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। सो ये भी मैंने आपको बताया था कि बी अल ख्वारिज़्मी वही साइंसदान हैं जिन्होंने काउंटिंग के अंदर ज़ीरो का आगाज़ किया था। ठीक है, नहीं देखी वो वीडियो तो अभी देख लें, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है उसमें। MCQs नंबर 24, हु मेक कैलकुलेशंस इन कनेक्शंस विद सोलर सिस्टम, बुक लाइन है, अल-बतानी साहब जो थे उन्होंने कैलकुलेशंस बनाई थी, मेक नहीं मेड होगा, आई थिंक मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, हु मेड कैलकुलेशंस इन कनेक्शन विद सोलर सिस्टम, क्योंकि ये बुक्स लाइन्स फर्स्ट चैप्टर, तो मुझे मतलब बुक का जो है वो वर्ड टू वर्ड हिफ्ज़ हुआ हुआ है, पता नहीं क्यों मैंने बहुत ही पढ़ लिया था इसे। सो भाई आपने याद रखना है कि इसका ऑप्शन क्या है, भाई डी है। तो मोशन ऑफ लिड वाज ऑब्जर्व है, ये भी हमारी बुक लाइन है, इन्होंने हीट इंजन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, बनाया था, इन्वेंट किया था, और क्या है इसका ऑप्शन सी है, जॉर्ज स्टीफन। ठीक है, MLT-2 मीन्स इनवर्स टू द डायमेंशन ऑफ, ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है, फोर्स हमारे पास किसके बराबर होता है, MAK मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए m लिखते हैं, एक्सेलरेशन मीन्स LT-2, एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालना आप लोगों को बहुत दफ़ा सिखाई है, डायमेंशन की तीन वीडियोस बना चुकी हूँ, नहीं देखी तो देख लें, बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है जी, सो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ बी। फिर टाइम को किस में मेल करते हैं, सेकंड में करते हैं, भाई बी इसका भी राइट ऑप्शन है, और ये मैंने आपको बता रखा है। हु वॉज अवेयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर, बुक लाइन है, रटी हुई है, मुझे तो हिफ्ज़ हुई हुई है, आप लोगों को भी हो जाएगी, अगर मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों की ये लाइन्स हिफ्ज़ हो जाएंगी कि भाई केव मैन जो कि कारों में रहते थे, उन्होंने सबसे उनको तक पता था कि अगर हम दो पत्थरों को रगड़ेंगे तो उनमें से फायर जनरेट होगी। सो भाई सी ऑप्शन इसका राइट है। फिर 29 में का जो है वो डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है क्योंकि इसके अंदर चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वीडियो देख लिया अगर समझ नहीं आया कैसे, सिंपल ये चार डिजिट्स हैं और चारों ही सिग्निफिकेंट हैं, और इसलिए हमारे पास क्या है, डी इसका ऑप्शन राइट है। अब है हमारे पास MCQs नंबर 30, मैंने बुक की एग्जाम्पल ली है, एग्जैक्ट बुक की एग्जाम्पल है, क्या है, सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन एस इज इक्वल्स टू CT क्यूब, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द कॉन्स्टेंट c। ठीक है ना, ये इस तरह की NTS वाले बहुत लेते रहते हैं इस चैप्टर से, इस तरह के टाइप ना MCQs देते रहते हैं, 2020 में भी आप ना सॉरी 2019 में भी आपको मिलेगा, और इससे पहले भी एक दफ़ा इस तरह का जो है वो MCQs आ चुका है। सो इसलिए मैंने कहा कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को समझ आना चाहिए। तो S इज़ इक्वल्स टू CT क्यूब, इन्होंने हमें ये दिया है, C फाइंड करना है, इन्होंने कहा C की डायमेंशन बताओ, तो हम क्या करेंगे, C को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये जो C है इसको हमने क्या किया है, बाहर निकाल दिया है, और जब हम इसको रिशफल करेंगे तो S ओवर T क्यूब हो जाएगा। S मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट
तो लेंथ में मैयर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, इसकी जो डायमेंशन होती है वो एल होती है, टी नीचे थ्री में ही रहेगा। जब ये टी ऊपर जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, तो एल टी माइनस थ्री जो आएगा वो इसका आंसर आएगा। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है दिस इज़ ए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, टेस्ट सॉल्व नहीं की तो ज़रूर कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।